नमस्कार बच्चों कैसे हैं आप सब आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे आओ बच्चों आज हम एक नए पाठ के साथ अपना शुरुआत करते हैं आज का पाठ है हमारा कक्षा नौ का निर्धनता एक चुनौती जो कि आपकी अर्थशास्त्र पुस्तक का तीसरा पाठ है तो बच्चों जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है निर्धनता आप यहाँ देख सकते हैं निर्धनता एक चुनौती निर्धनता की परिभाषा क्या होती है बच्चों हम किस व्यक्ति को निर्धन कहेंगे कोई बता सकता है आप में से थोड़ा सोचो आओ बच्चों, मैं आपको बताती हूँ पहले हम इसकी परिभाषा देख लेते हैं बच्चों परिभाषा देखिए एक ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति अपनी मूलभूत आवश्यकताओं रोटी कपड़ा और मकान को पूरा कर पाने में असमर्थ होता है तो बच्चों निर्धन व्यक्ति हम किसे कहेंगे जो अपनी मूलभूत आवश्यकताएं जैसे रोटी होती है कपड़ा होता है और मकान इनको पूरा नहीं कर पाता है हम उस व्यक्ति को निर्धन कहेंगे तो बच्चों हम सड़कों पर कई लोगों को देखते हैं जो अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सड़कों पर लोगों से भीख भी मांगते दिखाई देते हैं तो बच्चों हम उनको निर्धन कहते हैं आओ बच्चों आगे मैं आपको बताती हूँ निर्धनता से संबंधित मुद्दे निर्धनता से संबंधित हमारे पास छः मुद्दे हैं पहला भूमिहीनता दूसरा बेरोजगारी तीसरा परिवार का आकार चौथा निरक्षरता पांचवा खराब स्वास्थ्य और छठा बाल श्रम तो बच्चों निर्धनता से जो पुचुड़ा हुआ पहला मुद्दा है वो है भूमिहीनता ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में हम ऐसा मानते हैं कि जिनके पास भूमि नहीं होती है उसे हम निर्धन कहते हैं दूसरा है हमारा बेरोजगारी जिनके पास काम नहीं होता है जो कोई श्रम नहीं करते हैं वो हमेशा ही निर्धनता का जीवन व्यतीत करते हैं तो बेरोजगारी निर्धनता से जुड़ा हुआ दूसरा मुद्दा है तीसरा परिवार का आकार जिनके घरों में परिवार का आकार बड़ा है उनके घरों में निर्धनता ज़्यादा देखने को मिलती है इसीलिए कहा जाता है छोटा परिवार सुखी परिवार अगला मुद्दा है निरक्षरता जो लोग पढ़े लिखे नहीं होते हैं निरक्षर रह जाते हैं उनको भी निर्धनता का सामना करना पड़ता है इसीलिए कहा जाता है कि खूब पढ़ो आगे बढ़ो ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रहे और अपने जीवन में सफल रहे अब ये बच्चों खराब स्वास्थ्य जो कुपोषित होते हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है वो बच्चा या वो लोग ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाते और ठीक से काम भी नहीं कर पाते तो जब आप ठीक से पढ़ाई नहीं कर पाओगे ठीक से काम नहीं कर पाओगे तो आपके जीवन में निर्धनता का सामना होगा इसीलिए कहा जाता है कि खाना जो है अच्छे से खाना चाहिए और अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए अगला है बाल श्रम आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चों को होटलों में ढाबों में काम करते हुए तो बेटा जो बाल श्रम है अगर बच्चा पढ़ाई की उम्र में ये काम करते करेगा तो वो पढ़ाई कैसे करेगा और जब वो पढ़ाई नहीं कर पाएगा तो वो अपनी ज़िंदगी में सफल कैसे होगा और वो निर्धनता का जीवन व्यतीत करेगा तो ये छः मुद्दे हैं तो बच्चों आपने निर्धनता की परिभाषा तो जान ली है आओ अब हम निर्धनता के दो विशिष्ट मामले देखें पहला शहरी निर्धनता और दूसरा ग्रामीण निर्धनता तो बच्चों मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने वाली हूँ इन दोनों ही मामलों के लिए तो पहला हम सुनेंगे शहरी निर्धनता तैतीस वर्षीय राम सरन झारखंड के रांची में गेहूं के आटे की मिल में दैनिक श्रमिक के रूप में कार्य करता है उसे कभी रोज़गार मिलता है तो वे महीने में लगभग पंद्रह सौ रुपये कमा लेता है या छः सदस्यों का परिवार चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है जिसमें उसकी छः माह से बारह वर्ष तक की आयु के चार बच्चे शामिल हैं उसे रामगढ़ के समीप गांव में रह रहे, रहे बूढ़े माता पिता के लिए भी पैसा भेजना पड़ता है उसके भूमिहीन श्रमिक माता पिता जीवन निर्वाह के लिए रामचरण और हजारीबाग में रह रहे उसके भाइयों पर निर्भर है रामचरण शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थित भीड़ बस्ती वाले किराए के मकान में रहता है ये ईंट से बना कच्चा चलाऊ झोंपड़ी का मकान है उसकी पत्नी संता देवी कुछ घरों में अंशकालिक नौकरानी का कार्य करती है और महीने का आठ सौ रुपया कमा लेती है वे दिन में दो बार दाल चावल का भोजन जुटा लेते हैं पर यह उनके लिए पर्याप्त नहीं होता उसका बड़ा बेटा परिवार की आय में वृद्धि के लिए चाय की एक दुकान में सहायक का कार्य करता है और तीन सौ रुपये और कमा लेता है उसकी दस साल की बेटी छोटे बच्चों की देखभाल करती है कोई भी बच्चा स्कूल नहीं जाता उनमें से प्रत्येक के पास दो जोड़े फटे पुराने कपड़े ही हैं नए कपड़े भी तभी खरीदे जाते हैं जब पुराने कपड़े बिल्कुल फट जाते हैं जूते पहनना विलासिता है छोटे बच्चे अल्प पोषित रहते हैं जब वे बीमार होते हैं तो उन्हें चिकित्सा की सुविधा भी उपलब्ध नहीं होती बच्चों ये भी बच्चों ये था शहरी निर्धनता का उदाहरण अब बात करते हैं ग्रामीण निर्धनता की आओ दूसरी कहानी सुनें जो ग्रामीण निर्धनता पर आधारित है लखा सिंह उत्तर प्रदेश में मेरठ के पास एक गांव में रहने वाला व्यक्ति है उसके परिवार के पास कोई भी भूमि नहीं है इसीलिए वे बड़े किसानों के छोटे मोटे कार्य करता है काम अनियमित होता है आय भी वैसी ही होती है कई बार उसे पूरे दिन की मेहनत के बदले सिर्फ पचास रुपये ही मिलते हैं लेकिन प्राय खेतों में पूरे दिन मेहनत करने के बाद उससे वस्तु के रूप में कुछ किलोग्राम गेहूँ दाल थोड़ी सी सब्जी मिल पाती है आठ सदस्यों के परिवार में हमेशा दो वक्त का भोजन भी नहीं जुटा पाता है लखा सिम गाँव के बाहर एक कच्ची झोंपड़ी में रहता है परिवार की महिलाएं पूरा दिन खेतों में चारा काटने और खेतों में जलाने वाली लकड़ी बीनने में ही उनका समय गुजार देती हैं उसके पिता जो तपैदिक के मरीज थे चिकित्सा के अभाव के कारण दो वर्ष पूर्वी मृत्यु हो गई उसकी माँ अब उसी बीमारी से ग्रस्त है और उनका जीवन भी धीरे धीरे क्षीण हो रहा है गांव में प्राथमिक विद्यालय है लखा वहाँ भी नहीं गया दस वर्ष की उम्र में ही उसे काम शुरू करना पड़ा नए कपड़े खरीदना वर्षों में ही संभव हो पाता है यहाँ तक कि परिवार के लिए साबुन और तेल भी एक विलासिता है तो बच्चों आप यहाँ देख सकते हैं कि इन दो उदाहरणों के द्वारा हमें दो प्रकार की निर्धनता शहरी निर्धनता व ग्रामीण निर्धनता का पता चलता है आओ बच्चों हम पाठ को आगे बढ़ाएं। बच्चों अब हम बात करेंगे अगले उपविषय की सामाजिक वैज्ञानिकों की दृष्टि में निर्धनता चूँकि निर्धनता के अनेक पहलू हैं सामाजिक वैज्ञानिक उसे अनेक सूचकों के माध्यम से दिखाते हैं सामान्यता प्रयोग में किए जाने वाले जो सूचक हैं वो पहला है आय और उपभोग दूसरा निरक्षरता स्तर तीसरा कुपोषण के कारण रोग प्रतिरोधी क्षमता की कमी चौथा स्वास्थ्य सेवाओं की कमी पांचवा रोजगार की कमी छठा सुरक्षित पेयजल एवं स्वच्छता तक पहुँच की कमी आदि जैसे अन्य सामाजिक सूचक के माध्यम से भी हम देख सकते हैं कि निर्धनता जो है उसके कितने पहलू हैं आओ बच्चों अब हम बात करते हैं सामाजिक अपवर्जन की सामाजिक अपवर्जन क्या होता है बच्चों निर्धनों को बेहतर माहौल और अच्छे वातावरण में रहने वाले संपन्न लोगों की सामाजिक समता से अपवर्जित रहकर केवल निकृष्ट वातावरण में दूसरे निर्धनों के साथ रहना पड़ता है इसे ही सामाजिक अपवर्जन कहा जाता है सामान्य अर्थ में सामाजिक अपवर्जन निर्धनता का एक कारण और परिणाम दोनों हो सकते हैं मोटे तौर पर एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से व्यक्ति या समूह उन सुविधाओं लाभों और अवसरों से अपरिवर्जित रहते हैं जिनका उपयोग दूसरे करते हैं इसका एक विशिष्ट उदाहरण भारत में जाति व्यवस्था की कार्यशैली है जिसमें कुछ जातियों के लोगों को समान अवसरों से अपवर्जित रखा जाता है इस प्रकार सामाजिक अपवर्जन लोगों की आय ही बहुत कम नहीं करता बल्कि ये इससे भी कहीं अधिक क्षति पहुंचा सकता है दूसरा है असुरक्षा निर्धनता के प्रति असुरक्षा एक माप है जो कुछ विशेष समुदाय जैसे पिछड़ी जाति के सदस्य या कोई विधवा या शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति के भावी वर्षों में निर्धन होने या निर्धन बने रहने की अधिक संभावना जताते हैं इसके अलावा इसका विश्लेषण प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप सुनामी, आतंकवादी मामलों में इन समूह के समक्ष विद्यमान बड़े जोखिमों के आधार पर किया जाता है अतिरिक्त विश्लेषण इन जोखिमों से निपटने की उनकी सामाजिक और आर्थिक क्षमता के आधार पर किया जाता है वास्तव में जब सभी लोगों के लिए बुरा समय आता है चाहे कोई बाढ़ हो या भूकंप नौकरियों की उपलब्धता में कमी दूसरे लोगों की तुलना में अधिक प्रभावित होने की संभावना का निरूपण असुरक्षा है तो बच्चों हमने यहाँ पर असुरक्षा और सामाजिक अपवर्जन को जाना बच्चों आओ अब हम पढ़ते हैं अगला विषय निर्धनता रेखा निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यता निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है निर्धनता का आकलन एक सर्वमान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है उदाहरण अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है जबकि भारत में अब भी कार विलासिता मानी जाती है भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, कपड़े जूते ईंधन प्रकाश शैक्षणिक एवं चिकित्सक संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है आओ बच्चों अब हम देखते हैं निर्धनता रेखा के मापक निर्धनता रेखा के जो दो मुख्य मापक हैं वो है प्रति व्यक्ति आय और दूसरा है कैलोरी पहला प्रति व्यक्ति आय ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 816 रुपए रुपये मासिक आय तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति हज़ार रुपये मासिक आय से कम मानी गई है ये 2011 और 12 के अनुसार है तो दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है इस प्रकार वर्ष 2011-12 ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पाँच सदस्यों के परिवार निधनता रेखा से नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग चार हजार अस्सी रुपये प्रति माह से कम होगी इसी तरह परिवार जो शहरी क्षेत्रों में रहता है अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम पाँच हजार रुपये प्रतिमाह की आवश्यकता होगी निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यता हर पाँच वर्ष में सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है यह सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन एन द्वारा किया जाता है यद्यपि विकासशील देशों के बीच तुलना के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए मानक का प्रयोग करते हैं जैसे एक पॉइंट नौ डॉलर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन समतुल्य उपलब्धता के आधार पर निर्धनता के अनुमान अगला हमारा उपविषय है जो हम शुरू करने वाले हैं भारत में निर्धनता अनुपात उन्नीस और चौरानवे में कुल जनसंख्या का 45 प्रतिशत निर्धनता रेखा से नीचे था जो कि 2004 हज़ार पाँच में घटकर सैंतीस प्रतिशत और 2011-12 में घटकर 22 प्रतिशत रह गया निर्धन लोगों की संख्या 270 मिलियन वर्ष 2011-12 के बीच हुई बच्चों आओ हम तालिका 3.1 पर नज़र डालें तो बच्चों तालिका 3.1 भारत में निर्धनता के अनुमान आप इस तालिका में देख सकते हैं वर्ष दिए गए हैं और निर्धनता अनुपात प्रतिशत में और दूसरी तरफ निर्धनों की संख्या करोड़ों में तो आप देख सकते हैं कि निर्धन जो हैं उनकी संख्या ग्रामीणों में ज़्यादा है जबकि शहरी में कम है उसी तरह से हर वर्ष उन्नीस सौ तिरानवे चौरानवे दो हज़ार चार दो हज़ार पाँच दो हज़ार नौ दो हज़ार दस दो हज़ार ग्यारह दो हज़ार बारह सभी में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या अधिक है शहरी लोगों की संख्या के तुलना में दूसरी तरफ आप देख सकते हो निर्धनों की संख्या करोड़ों में यहाँ भी आपको ग्रामीण की संख्या अधिक दिख रही है जबकि शहरी जनसंख्या में निर्धनों की संख्या कम है तो बच्चों इस तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए पहला उन्नीस सौ तिरानवे चौरानवे और 2004 5 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही दूसरा प्रश्न क्या भारत में निर्धनता में कमी की गति ग्रामीण और शहरी भारत में समान है तो बच्चों ये दो प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं गृह कार्य में ये आप ज़रूर करिएगा इस तालिका को देखते हुए आओ बच्चों हम अपना अगला विषय शुरू करते हैं असुरक्षित समूह निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं वह है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूह के निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है तो बच्चों आओ हम आरेख तीन पॉइंट एक देखें यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूह के लिए बाईस है अनुसूचित जनजाति के सौ में से तिरतालीस लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं अनुसूचित जनजाति के सौ में से तिरतालीस लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ है इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में चौंतीस प्रतिशत अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं लगभग चौंतीस प्रतिशत अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में और उनतीस प्रतिशत अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी तीन समूह अनुसूचित जाति ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवार में भी आय असमानता है निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं जैसे महिलाएं, वृद्ध और बच्चियां। इन तक परिवारों में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच नहीं है आओ बच्चों हम आरेख तीन पॉइंट दो देखें आरेख तीन पॉइंट दो अंतर्राज्य असमानताओं को दर्शा रहा है तो हमारा जो अगला उपविषय है अंतर्राज्यीय समानताएँ उसी के अंतर्गत ये आरेख आता है तो पहले हम इस आरेख पर नज़र डालेंगे इस आरेख को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017 और 18 के अनुसार भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार तो बच्चों आप देखिए इस आरेख को ध्यान से और इसका अध्ययन करिए तो मैं आपसे इसमें प्रश्न पूछती हूँ पहला तीन राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है तो बच्चों अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो दंड दिख रहे हैं आपको इस आरेख में तो उसमें सबसे ऊँचे जो दंड है वो है बिहार ओडिशा असम ये तीन राज्य हैं जहाँ निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है तो अगला प्रश्न बच्चों तीन राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे कम है तो इस आरेख को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा केरल हिमाचल प्रदेश पंजाब इन तीन राज्यों का अनुपात निर्धनता का सबसे कम है भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है अगला विषय है हमारा वैश्विक निर्धनता परिदृश्य अब हम विश्व स्तर पर निर्धनता को देखते हैं विभिन्न देशों में अत्यंत आर्थिक निर्धनता में रहने वाले लोगों का अनुपात 1990 के छत्तीस प्रतिशत से गिरकर 2015 में 10 प्रतिशत हो गया यद्यपि वैश्विक निर्धनता में उल्लेखनीय गिरावट आई है लेकिन इसमें बृहत क्षेत्रीय भिन्नताएं भी, भी पाई गई हैं तीव्र आर्थिक प्रगति और मानव संसाधन विकास में बृहत निवेश के कारण चीन और दक्षिणी पूर्व एशिया के देशों में निर्धनता में विशेष कमी आई है आओ बच्चों हम तालिका तीन पॉइंट दो देखें अंतर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा अर्थात डॉलर एक पॉइंट नौ प्रतिदिन से नीचे की जनसंख्या की परिभाषा के अनुसार विभिन्न देशों में निर्धनता के नीचे रहने वाले लोगों का अनुपात दर्शाती है संयुक्त राष्ट्र के नए सतत विकास के लक्ष्य को 2030 तक सभी प्रकार की गरीबी खत्म करने का प्रस्ताव है बच्चों आरेख तीन पॉइंट तीन और तीन पॉइंट चार को भी ध्यान से देखें जो हमें दर्शाता है वो है प्रतिदिन डॉलर एक पॉइंट नौ पर जीवन यापन करने वाले लोग 2005 से 2015 तक इसमें आपको पांच क्षेत्र दिख रहे हैं पहला नीले रंग में चीन संतरी रंग में पूर्वी एशिया एवं प्रशांत हरे रंग में सब सहारा अफ्रीका पीले रंग में लैटिन अमेरिका व कैरेबियन और बेंगनी रंग में दक्षिणी एशिया तो आप यहाँ पर सभी क्षेत्रों को ध्यान से देख सकते हैं उसी प्रकार नीचे भी क्षेत्रानुसार निर्धनों की संख्या डॉलर वन पॉइंट नब्बे प्रतिदिन मिलियन के अनुसार यहाँ भी आप देख सकते हैं नीला कलर सब सहारा अफ्रीका को दिखा रहा है बैंगनी कलर दक्षिणी एशिया को दर्शा रहा है हरा लैटिन अमेरिका एवं कैरेबियन को और संतरी पूर्वी एशिया एवं प्रशांत को और पीला चीन को आओ बच्चों अब हम भारत में निर्धनता के कारणों का पता लगाएं। भारत में निर्धनता को जानने के लिए हमें पुराने समय में जाना पड़ेगा क्योंकि निर्धनता का जो मूल वजह है वो हमारे इतिहास में छिपी हुई है तो बच्चों निर्धनता के कारण में पहला कारण है ऐतिहासिक कारण भारत में व्यापक निर्धनता के अनेक कारण हैं एक ऐतिहासिक कारण ब्रिटिश औपनिवेशिक प्रशासन के दौरान आर्थिक विकास का निम्न स्तर है औपनिवेशिक सरकार की नीतियों ने पारंपरिक हस्तशिल्पकारी को नष्ट कर दिया और वस्त्र जैसे उद्योगों के विकास को हतोत्साहित किया विकास की धीमी गति 1980 के दशक तक जारी रही इसके परिणामस्वरूप रोजगार के अवसर घटे और आय की वृद्धि दर गिरी इसके साथ साथ जनसंख्या में उच्च दर में वृद्धि हुई इन दोनों ने प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर को बहुत कम कर दिया आर्थिक प्रगति को बढ़ावा और जनसंख्या नियंत्रण दोनों मोर्चों पर असफलता के कारण निधनता चक्र बना रहा दूसरा सिंचाई और हरित क्रांति के प्रसार से कृषि क्षेत्र में रोजगार के अधिक अवसर सृजित हुए लेकिन इनका प्रभाव भारत के कुछ भागों तक ही सीमित रहा सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में कुछ रोजगार उपलब्ध कराए लेकिन ये रोजगार तलाश करने वाले सभी व्यक्तियों के लिए पर्याप्त नहीं थे शहरों में उपयुक्त नौकरी पाने में असफल अनेक लोग रिक्शा चालक विक्रेता गृह निर्माण श्रमिक घरेलू नौकर आदि के रूप में कार्य करने लगे अनियमित और कम आय के कारण ये लोग महंगे मकानों में नहीं रह सकते थे वे शहरों के बाहर झुग्गियों में रहने लगे और निर्धनता की समस्या जो मुख्य रूप से ग्रामीण परिघटना थी नगरीय क्षेत्र की भी एक विशेषता बन गई तीसरा कारण उच्च निर्धनता दर की एक और विशेषता आय असमानता रही है इसका प्रमुख कारण है भूमि और अन्य संसाधनों का असमान वितरण अनेक नीतियों के बावजूद हम किसी सार्थक ढंग से इस मुद्दे से नहीं निपट सके हैं ग्रामीण क्षेत्रों में परिसंपत्तियों के पुनर्वितरण पर लक्षित भूमि सुधार जैसे प्रमुख नीति पहल को ज़्यादातर राज्य सरकारों ने प्रभावी ढंग से कार्यान्वित नहीं किया चूँकि भारत में भूमि संसाधनों की कमी निर्धनता का एक मुख्य कारण रहा करोड़ों ग्रामीण निर्धनों का जीवन सुधर सकता था अनेक अन्य सामाजिक सांस्कृतिक और आर्थिक कारक भी निर्धनता के लिए उत्तरदायी हैं अति निर्धन सहित भारत के लोग सामाजिक दायित्व और धार्मिक अनुष्ठानों के आयोजन में बहुत पैसा खर्च करते हैं छोटे किसानों को बीज उर्वरक कीटनाशक जैसे कृषि आगत की खरीदारी के लिए धनराशि की ज़रूरत होती है चूँकि निर्धन कठिनाइयों से ही कोई बचत कर पाते हो वे इसके लिए कर्जा लेते हैं मूल्य भुगतान करने में असमर्थता के कारण वे ऋणग्रस्त हो जाते हैं अत्यधिक ऋणग्रस्तता निर्धनता का कारण और परिणाम दोनों हैं तो बच्चों अगर हम साधारण शब्दों में देखें तो निर्धनता के यहाँ पर पांच कारण का उल्लेख है पहला लंबे काल तक गुलाम रहना दूसरा अधिक जनसंख्या तीसरा बेरोजगारी चौथा अशिक्षा पांचवा संसाधनों का असमान वितरण आओ बच्चों अब हम आगे बढ़ें और निर्धनता निरोधी उपाय के बारे में जानें। हमारी सरकार ने कई निर्धनता निरोधी उपाय को अपनाया है तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोटे तौर पर दो कारकों की पहला आर्थिक समृद्धि को प्रोत्साहन दूसरा लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों पर निर्भर है तो पहले की अगर हम बात करें तो मानव विकास में निवेश के लिए ये आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराती है ये शिक्षा में निवेश से अधिक आर्थिक प्रतिफल पाने की आशा में लोगों को अपने बच्चों को लड़कियों सहित स्कूल भेजने को प्रोत्साहित करती है दूसरा इन परिस्थितियों में लक्षित निर्धनता निरोधी कार्यक्रमों को स्पष्ट आवश्यकता है यद्यपि ऐसे अनेक योजनाएँ हैं जिनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से निर्धनता कम करने के लिए बनाया गया है उनमें से कुछ का उल्लेख हम यहाँ कर रहे हैं महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार अधिनियम 2005 जिसे हम मनरेगा के नाम से भी जानते हैं केंद्र सरकार राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कोष भी स्थापित करेगी इसी तरह राज्य सरकारें भी योजनाओं के कार्यान्वयन के लिए राज्य रोजगार गारंटी कोष की स्थापना करेंगी कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिन के अंदर रोजगार उपलब्ध नहीं कराया गया तो वह दैनिक बेरोजगार भत्ते का हकदार होगा एक और महत्वपूर्ण योजना राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम जिसे 2004 में देश के सबसे पिछड़े 150 जिलों में लागू किया गया था ये कार्यक्रम उन्हीं सभी ग्रामीण निर्धनों के लिए है जिन्हें मजदूरी पर रोजगार की आवश्यकता है और जो अकुशल शारीरिक काम करने के इच्छुक हैं इसका कार्यान्वयन शत प्रतिशत केंद्रीय वित्त पोषित कार्यक्रम के रूप में किया गया है और राज्य को खाद्यान्न निशुल्क उपलब्ध कराए जा रहे हैं एक बार एन आर ई जी ए लागू हो जाए तो काम के बदले अनाज का राष्ट्रीय कार्यक्रम भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत आ जाएगा अगला कार्यक्रम है प्रधानमंत्री रोजगार योजना ये एक अन्य योजना है जिसे उन्नीस में आरंभ किया गया इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों और छोटे शहरों में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए स्वरोजगार को अवसर सृजित करना है आओ बच्चों अब हम कुछ प्रश्न उत्तर पूछते हैं आपसे आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको ये पाठ समझ आया होगा तो आप इन प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल सही तरीके से देंगे बच्चों निर्धनता किसे कहते हैं ऐसी दशा जिसमें व्यक्ति को अपने जीवन यापन के लिए भोजन वस्त्र और मकान जैसी आधारभूत आवश्यकताएं पूरी करने में कठिनाई होती है अगला प्रश्न भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता है उत्तर है चौबीस कैलोरी अगला प्रश्न भारत में नगरीय क्षेत्र में रहने वाले व्यक्ति को प्रतिदिन कितने कैलोरी भोजन की आवश्यकता है उत्तर है 2100 कैलोरी अगला प्रश्न काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब आरंभ किया गया उत्तर है सन 2004 में अगला प्रश्न प्रधानमंत्री रोज़गार योजना कब आरंभ की गई उत्तर है उन्नीस में अगला प्रश्न ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम कब आरंभ किया गया उत्तर है उन्नीस में अगला प्रश्न स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराजगार योजना कब आरंभ की गई उत्तर है उन्नीस में अगला प्रश्न प्रधानमंत्री ग्राम्योद्य योजना कब आरंभ की गई उत्तर है सन 2000 में अगला प्रश्न भारत में निधनता रेखा का आकलन कितने वर्ष के बाद होता है उत्तर है पाँच वर्ष के बाद भारत में निधनता रेखा का आकलन कौन करता है उत्तर है राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन एन एस एस ओ तो बच्चों आज जो मैंने आपको पाठ पढ़ाया आशा करती हूँ आपकी समझ में ज़रूर आया होगा और आप सारे बच्चे इसे एक बार खुद भी पढ़ें और समझने का प्रयत्न करें तो बच्चों आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आशा करती हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी और पसंद भी आई होगी तो बच्चों स्वस्थ रहो सुरक्षित रहो नमस्कार धन्यवाद